बच्चे दो ही अच्छे की सोच को साकार बनाने के लिए जिले में परिवार नियोजन की सेवाएं एक बार फिर से तेज की जाएंगी। हालांकि नसबंदी की सेवा अभी नहीं दी जाएगी। इस संबंध में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद और मिशन निदेशक विजय विश्वास पंत ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक काम होगा। सभी सेवाएं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दी जाएंगी। इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स लाभार्थियों के बीच जाकर उनकी आवश्यकता के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने बताया कि ACMO RCH डॉक्टर नंद कुमार की देखरेख में सेवाओं की समीक्षा की जा रही है। उत्तर प्रदेश टेक्निकल सपोर्ट यूनिट UPTSU इस कार्य में मदद कर रही है। फिलहाल त्रैमासिक इंजेक्शन अंतरा, कंडोम, साप्ताहिक गोली छाया, IUCD, PP-IUCD, OCP और ECP जैसी अस्थायी सेवाएँ दी जाएंगी और उनके वितरण में फिजिकल डिस्टेंसिंग समेत कोविड-19 से बचाव के लिए हर सावधानी रखी जाएगी। साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि मिशन निदेशक के निर्देशानुसार प्रवासियों के लिए स्थापित क्वारंटीन सेंटर पर काउंसलिंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही क्वारंटीन की अवधि पूरी हो जाने के बाद उन्हें परिवार नियोजन के अस्थायी साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। परिवार नियोजन के इन साधनों की पर्याप्त उपलब्धता के भी निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, जैसा कि ये इस चरण में बहुत सारी सेवाएं खोली गई हैं, हमने इम्यूनाइजेशन भी शुरू कर दिया है और इमरजेंसी और इसेंशियल सर्विसेज पहले से ही खोली गई हैं। अब इलेक्टिव सर्जरी भी प्राइवेट नर्सिंग होम्स में, जिला अस्पतालों में और हमारे प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी शुरू कर दी गई है। धीरे धीरे करके हम लोग सेवाएँ बढ़ा रहे हैं और उसी क्रम में शासन से आदेश प्राप्त हुआ है कि हम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को भी बड़ी रुचि लेके उस पर भी काम करें। उसमें अभी कुछ दिन तक हम लोगों ने ट्यूबेक्टमी कैंप्स रोक रखा है, परंतु जो हमारी ऐसी सेवाएं हैं जैसे छाया है, अंतरा है, कॉन्डोम है, जो स्पेसिंग मेथड्स हैं, इनके बारे में हम लोगों ने शुरू कर दिया है। हमारी आशाएं NMs ये जाके लोगों को समझा रही हैं और ख़ास करके उन जगहों पे जो शेल्टर होम्स हैं, जहाँ पे ढेर सारे लोग हमें एक साथ मिल जाते हैं, वहाँ इसके बारे में जानकारी देना और गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में जानकारी देना, ये सब सेवाएं कल से शुरू कर दी है हम लोगों ने। और जो हमारी आशा ANMs निगरानी समितियों के माध्यम से घर घर जा रही हैं, वहाँ भी वो अपनी ये सेवाएं देंगी। और VHND सेशंस शुरू हो गए हैं, VHND सेशंस पे भी इन सेवाओं का प्रारंभ कर दिया गया है और निकट भविष्य में संभवतः हम ट्यूबेक्टमी ऑपरेशंस की भी तैयारी कर रहे हैं और उनको भी शासन से निर्देश मिलने पर शुरू कर दिया जाएगा। कोविड-19 के लिए सभी आशा ANM फ्रंट लाइन वर्कर्स को हम लोगों ने दो दो बार इसीलिए प्रशिक्षित किया है, प्रशिक्षण दिया है कि हमारा कोई भी कर्मचारी पहला बिल्कुल लोअर श्रेणी का जो हमारी आशा ANM है, वहाँ से लेके वो चिकित्सक तक कोई भी इससे ग्रसित ना होने पाए और सावधानियों का ख्याल रखे। और उन सावधानियों के लिए जो चीज़ें मुहैया करानी हैं, जिनको PPE किट देनी है, जिनको मास्क, ग्लव्स, कैप, शूज़ देने हैं, वो सब हम लोग पर्याप्त मात्रा में प्रोक्योर करके भेज चुके हैं और आशाएं भी अपने प्रोटेक्शन के बारे में काफ़ी जागरूक हैं और प्रोटेक्शन के साथ कार्य करना है जिससे कि कोई संक्रमित ना होने पाए।